Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हमने स्टडी किया दैट बहुत सारे एंजाइम्स हैं और सभी एंजाइम्स आर स्पेसिफिक टू सबस्ट्रेट एंड रिएक्शंस दे फॉलो. सो इन सब स्पेसिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स कि वो सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक हैं, रिएक्शंस के लिए स्पेसिफिक हैं, उनको कैटेगराइज किया है इनटू सिक्स क्लासेस. फर्स्ट क्लासेस ऑक्सीडोरिडक्टेज और डिहाइड्रोजिनेज. इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होती है. नेक्स्ट इज ट्रांसफरेज. नाम से पता लग रहा है ट्रांसफर होगा, कुछ ट्रांसफर करता है किसी भी ग्रुप को ट्रांसफरेज एंजाइम, बट वो ग्रुप होना चाहिए अदर देन हाइड्रोजन. हाइड्रोजन को छोड़ के किसी चीज का ट्रांसफर करे अगर बिटवीन टू सबस्ट्रेट तो उसे बोलेंगे ट्रांसफरेज एंजाइम. नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं ऑफ एस्टर्स, ईथर्स, पेप्टाइड्स, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स वगैरह फॉर्म करते हैं. नेक्स्ट इज लाइएसिस. लाइएसिस क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ ग्रुप्स करते हैं फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय द मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस. क्या किया उन्होंने, रिमूव किया कोई ग्रुप बट हाइड्रोलिसिस नहीं की एंड डबल बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं. नेक्स्ट इज आइसोमरेसिस. इंटरकन्वर्जन होती है जब ऑफ ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल और पोजिशनल आइसोमर्स की, वो कौन कैरी आउट करवाता है, आइसोमरेसिस. फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज का फ्रक्टोज में कन्वर्ट होना और फ्रक्टोज का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, ये दोनों क्या है, आइसोमर्स है. नेक्स्ट इज लाइगेजेस. लाइगेज क्या करते हैं, लिंक करते हैं टुगेदर टू कंपाउंड्स को और ज्वाइन करते हैं, लाइक COCSCNPO ये बॉन्ड्स फॉर्मेशन करते हैं. एक जर्नल रिव्यू देखते हैं. ये ए है जो कि रिड्यूस्ड फॉर्म में है एंड बी इज इन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म. ऑक्सीडो रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑक्सीडाइज हो रही है एंड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म रिड्यूस हो रही है. नेक्स्ट इज ट्रांसफरेज. ए एंड बी, ए कंपाउंड है एंड अनदर इज सी. इधर क्या हो रहा है, ए अलग कंपाउंड बन गया एंड सी एंड बी ये अलग कंपाउंड बन गए. जो बी है वो ट्रांसफर हुआ सी पे. नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस, वाटर की एडिशन हुई. नेक्स्ट इज लाइएसिस. ए बी जो था वो टूटकर ए एंड बी बन गया. इट इज रिवर्स रिएक्शन ऑफ सिंथेसिस. सिंथेसिस में क्या होता है, जुड़कर कुछ बनता है, इसमें टूट गया. आइसोमरेज, आइसोमर्स फॉर्म हुए, पहले एबीसी एंड देन एसीबी फॉर्म हो गया, आइसोमर फॉर्म हुए. नेक्स्ट इज लाइगेजेस. ए है, बी है. अब दो चीजों को जोड़ने के लिए हमने चैप्टर में डिस्कस किया कि कुछ एनर्जी चाहिए होती है और एनर्जी क्या है, एटीपी. एटीपी की हेल्प से लाइगेज हुए दो कंपाउंड्स ए बी एंड रिलीज हुआ एडीपी एंड पीआई. सो लाइगेजेस ने क्या किया, सिंथेटेज रिएक्शन किया. सिंथेटेज क्यों, क्योंकि एटीपी की हेल्प से उन्होंने दो कंपाउंड्स को बॉन्ड किया, उनमें बॉन्ड मिला. तो एंजाइम क्लास क्या क्या है, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलिसिस, लाइगेजेस, आइसोमरेसिस एंड लाइगेजेस, डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन दे कैरी आउट.